हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डे में आज एथिक्स का सवाल डिस्कस करना है लेकिन उससे पहले मैंने आपसे जी टू वाले दिन यानी परसों वादा किया था कि जो बेस्ट कमेंट मुझे बताएगा अबाउट द कंक्लूजन ऑन हाउ टू राइट अ कंक्लूजन ऑन द टॉपिक ऑन बेल कि बेल शुड बी अ नॉर्म एंड इट शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन उसमें ये वाला कमेंट या ये वाला कंक्लूजन जो है मुझे सबसे अच्छा और पर्याप्त लगा इसके रीजन्स क्या हैं वाई दिस कमेंट बाय सोमजीत घोष ट्वेंटी हैज़ बीन कंसिडर्ड बाई मी एज द बेस्ट बिकॉज नंबर वन इसके अंदर वर्ड लिमिट जो है या वर्ड जो लिखे गए हैं वो एडिक्वेट है कंक्लूजन के लिए कभी भी एक या दो लाइन से ऊपर जो है कंक्लूजन नहीं होना चाहिए लेकिन वो जो सेंटेंस होगा वो बहुत इलेबरेट सेंटेंसेस भी नहीं होने चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंक्लूजनस लिखे बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें की बट दे आर नॉट ऐप फॉर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कंक्लूडिंग रिमार्क रिमार्क में थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग या आगे जाते हुए क्या करना चाहिए इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं और उसमें जस्ट पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं किसी रिकमेंडेशन का किसी जजमेंट का तो वो बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन कंक्लूजन में माना जाता है तो इन्होंने कहा है कि ग्रांटिंग ऑफ बेल एंड द प्रोसीजर शुड बी स्ट्रीमलाइंट और स्टैचुएड बुक्स में उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ठीक है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से एक बेल एक्ट बनाना बेहद जरूरी तो दोनों रीजंस का यानी कि वे फॉरवर्ड उन्होंने बताया कि बेल के लिए एक सेपरेट एक्ट या लीगल प्रोविजंस बनाना शायद हमारे लिए कारगर साबित हो नाउ इवन दिस कैन बी इम्प्रूवड ये वाला भी जो है इसकी फॉर्मेशन सेंटेंस फॉर्मेशन और बेहतर हो सकती है जिससे इसको और कम वर्ड में लिखा जा सके ठीक है तो एक ही लाइन में द एज पर सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार केस एज वेल एज सेवरल अदर कमिटीज़ हैव रिकमेंडेड ग्रांटिंग ऑफ बेल शुड बी मेड अ स्ट्रेटुचरी प्रोविजन ठीक है कुछ और स्टूडेंट्स ने कहीं और कंक्लूजन भी लिखे थे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि देर शुड बी अ बैलेंस तो वो बैलेंस वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द सोशल ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग एनी फ्यूचर स्टैचुट बस ये चीजें हमने ध्यान रखनी है और इस तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं आइए डिस्कस करते हैं आज का सवाल डिफाइन एटीट्यूड एंड इट्स कंपोनेंट्स एक्सप्लेन द अफेक्टिव कंपोनेंट और कंटेंट ऑफ एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू यू विच कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन बट जैसा कि आप जानते हैं कि एथिक्स पेपर में दो पेज 150 फिफ्टी वर्ड से ज़्यादा कभी किसी आंसर के लिए नहीं मिलते तो हमें अपने आंसर्स को बहुत ही शॉर्ट बहुत ही सक्सेंट और बहुत ही टू द पॉइंट रखना होता है एथिक्स इज़ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ दैट हम ऐसा सोचते हैं कि एथिक्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें कहानी लिख के आ जाएंगे तो चलेगा नहीं वन फिफ्टी वर्ड्स ही होते हैं उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि वो आपसे चाहता है कि आप एटीट्यूड और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करें तो एटीट्यूड जो होता है बेसिकली क्या होता है साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ज एक्सप्रेस बाई इवेल्युएटिंग एन ऑब्जेक्ट विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर ठीक है तो एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है प्री डिस्पोजिशन टू वर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है वह ऑब्जेक्ट कोई प्रोसेस हो सकती है वह ऑब्जेक्ट कोई कम्युनिटी हो सकती है वो object कुछ भी हो सकता है उसके प्रति आपका जो प्री डिस्पोजिशन है यानी कि जो पहले से आपका अप्रोच है उसकी तरफ वो एटीट्यूड कहलाता है बेहतर यही होगा कि आप किसी कोई भी एक डेफिनेशन को रट्टा मार ले याद कर ले एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है मतलब हो सकता है कि आप कुछ फील नहीं करते हो किसी के प्रति हो सकता है आप पॉजिटिव फील करते हो और हो सकता है नेगेटिव बट ये जो फील करना है इसके तीन कंपोनेंट होते हैं दैट मीन्स एटीट्यूड ऐसे नहीं डेवलप होता कि आपके सामने स्टिमुलस रख दिया तो आइसोलेशन में आप उसके खिलाफ पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल होगे गए देर इज समथिंग दैट योर एटीट्यूड एंड दो कंपोनेंट आर कॉल्ड ए बी एंड सी ठीक है वैसे तो ये सी ए बी ऐसे चलता है सीक्वेंस ठीक है तो ये जो एग्जाम्पल है ये मैं कोट करना चाहूंगा और मैं इसके लिए क्रेडिट भी देना चाहूंगा टू अ बुक दैट इज डी कोड एथिक्स बाय मुदित गुप्ता एक्स आई आर एस और उनकी जो बुक है उसमें एग्जाम्पल दी हुई है उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अब एटीट्यूड टुवर्ड्स मैगी नूडल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मैगी नूडल्स का एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ के लिए एटीट्यूड जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है एटीट्यूड का पहला कंपोनेंट है कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव का कंपोनेंट क्या होता है काग्नेटिव कंपोनेंट होता है जब आप रैशनल कैलकुलेशन करते हो और ये देखते हो कि वो सिचुएशन वो पर्टिकुलर पर्सन वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर प्रोसेस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं मुझे बेनिफिट पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी तो इसका मतलब मेरी हेल्थ पे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा तो मैगी के प्रति मेरा कॉग्नेटिव कंपोनेंट क्या होगा कि इसमें कितनी कैलोरीज है ये हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है ठीक है और मैगी के लिए मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा कि मुझे वो कितनी टेस्टी लगती है उसे खाके मुझे कितना आनंद आता है हाउ हैप्पी डू आई फील दैट इज द अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवोरियल कंपोनेंट भी एटीट्यूड बनाता है बिहेवोरियल कंपोनेंट मतलब आपने प्रीवियसली जब मैगी को एनकाउंटर किया तो पास्ट में आपने किस तरीके से बिहेव किया हाउ रेगुलरली आर यू ईटिंग इट ऐसा भी हो सकता है आपका एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए खराब इस वजह से हो जाए कि आपको बार बार सुनता है फॉर एग्जाम्पल अलार्म अगर आप अपनी अलार्म क्लॉक में अपना फेवरेट गाना लगा दो तो वो फेवरेट गाना वर्स्ट फीयर्ड सॉन्ग बनने में देर नहीं लगती तो आपका एटीट्यूड वहां बदल जाता है किसकी वजह से बदलता है कॉग्नेटिव या अफेक्शन की वजह से नहीं बिहेवियर की वजह से बिकॉज एवरी डे यू आर मेड टू वेकअप टू दैट अलार्म एंड यू डू नॉट लाइक द प्रोसेस ऑफ वेकिंग अप तो इसीलिए अफेक्टिव कॉग्नेटिव और बिहेवोरियल ये तीन कंपोनेंट है अब इसने क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि अफेक्टिव कंपोनेंट को हमने समझाना है सो अफेक्टिव इज द फीलिंग और इमोशन तो हमें किसी चीज़ से डर लगता है हमें किसी चीज़ को देख के सिंपथी आती है हमें किसी चीज़ को देख के प्लेजर महसूस होता है दैट इज़ द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड और ये एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत मदद कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा फियरफुल या अफेक्टिव कंपोनेंट फियर वाला ज़्यादा स्ट्रांग है तो हमारा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर या बेटिंग के प्रति हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा क्योंकि फियर का जो इमोशन है वो ओवरपावरिंग है हमारे अंदर ऑल्सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज ये सोशल इन्फ्लुएंस में मदद कर सकता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। यदि आप किसी एंटी स्मोकिंग कैंपेन की बात करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होते, होते हैं दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली एक ऑप्शन है कि आप ये बताएं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है और स्मोकिंग से इतने परसेंटेज जो लोग हैं वो मर जाते हैं ठीक है तीन लाख लोग पांच लाख लोग हर साल मर रहे हैं दिस इज वॉट दिस इज अ डेटा लेकिन अगर आपने फियर एक्चुअल जगाना है डर जगाना है तो वो एंटी स्मोकिंग वाली जो एड्स होती है जो आपको एक तो टोबैको के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपको कहा गया है कि 70, 80%, परसेंट एटी फाइव परसेंट तक वो इमेज दिखनी चाहिए और जो आपको मूवीज के अंदर दिखाया जाता है स्टार्टिंग में ट्रेलर से पहले कि तंबाकू के यूज से ये चीज़ हो गई दैट इज मोर ऑफ योर अफेक्टिव आपके अंदर डर पैदा करने के लिए नंबर्स देख के मुझे डर नहीं होगा लेकिन जब मैं किसी की बुरी हालत देखूंगा अपनी आंखों के सामने तो मुझे डर महसूस होगा तो इससे मैं उसे परसुएड कर पाऊंगा या इसको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा शायद ज्यादा कि वो उस पर्टिकुलर चीज को गिव अप कर दे ठीक है बट वही चीज़ है इट इज़ अ ऑप्शन तो ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारी सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के लिए तो ये हमारी कॉग्निटिव डिस्पोजिशंस को ओवरराइड करता है तो प्रेजर डिराइड फ्रॉम ड्रग्स में ओवर हेल्थ इंपैक्ट इसका ऑपोजिट भी है अगर हम कॉग्नेटिव बात करते हैं तो ड्रग्स लेने से हमें पता है कि हमारी शरीर का नुकसान होता है लेकिन हम इतना अफेक्चुअली अटैच हो जाते हैं ड्रग्स से हम मतलब जो लोग ड्रग एडिक्ट है तो उन लोगों के लिए समझाना भी मुश्किल है उनको कि वाई यू शुड हैव और वाई योर नेगेटिव एटीट्यूड शुड डेवलप टूवर्ड्स द ड्रग ठीक है नाउ लास्ट वन इज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे पूछा गया कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है

कॉग्नेटिव अफेक्टिव और बिहेवोरियल तीनों चीजें चाहिए जैसे कॉग्नेटिव माइंडसेट चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ताकि वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन सके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ सके तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये समझना होगा कि गिफ्ट लेना गिफ्ट रिसीव करना इज रॉन्ग एज पर द सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल तो अगर वो उस कंपोनेंट को देखता है तो उसको रिसीविंग गिफ्ट्स की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा अफेक्टिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि कंपैशनेट होना एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स चैरिटी एंड पॉवर्टी एलिविएशन क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है तो अल्टीमेटली वो इनडिफरेंट नहीं हो सकता है कि मेरे आसपास अगर गरीब लोग हैं अगर मेरे आसपास कोई तकलीफ में है तो मैं इनडिफरेंट रहता हूं है ना ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल रहता हूं नहीं उस समय आपको लोगों की मदद करने की तरफ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए चैरिटी की तरफ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और ये कौन सा कंपोनेंट डिफाइन करता है ये अफेक्टिव कंपोनेंट डिफाइन करता है बिहेवियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका एक्चुअल बिहेवियर किस तरीके का है आपका एटीट्यूड दर्शाता है फॉर एग्जाम्पल सीनियर्स जनरल पब्लिक करप्ट इंडिविजुअल्स इनके प्रति आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा और आपका एटीट्यूड भी डिफरेंट होगा समटाइम्स योर बिहेवियर बी कॉन्ट्रेरी टू योर एटीट्यूड ऐसा हो सकता है कि आपका बिहेवियर जो है असली बर्ताव जो है कॉन्ट्रेरी होता है आपके एक्चुअल एटीट्यूड के लिए हिसाब से और जब भी ऐसा होगा तब आपको कॉग्नेटिव डिजोनेंस फील होगा कॉग्नेटिव डिजोनेंस फील होगा एंड दिस इज मोर अबाउट योर माइंड एंड योर एक्शन तो जितना हो सके आपका बिहेवियर आपकी प्री डिस्पोजिशंस के हिसाब से होना चाहिए लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपका जो एटीट्यूड है वो सही सो योर एटीट्यूड ऑल्सो हैज टू बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू हु यूर डीलिंग विद विद योर सीनियर विद जनरल पब्लिक विथ करप्ट इंडिविजुअल तो इसलिए यह बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अंततः आप कह सकते हो कि एटीट्यूड एक ऐसा एसेंशियल फीचर है इट इज सच एन एसेंशियल फीचर दैट असर्टेन्स एंड रीइंफोर्सेस एन एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पांस टू वेरियस सिचुएशन विद इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल कंपोनेंट यू हैव क्लेरिफाइड दिस आपने क्लेरिफाई ये चीज कर दी ठीक है तो इस तरीके से आप आंसर कंक्लूड कर सकते हो ठीक है और भी इसमें एम्बेलिशमेंट्स इंप्रूवमेंट हो सकती है जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो आंसर के अंदर चाहे वो कोई कोट हो किसी पर्टिकुलर थिंकर का थॉट हो तो वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ठीक है मैं भी चाहता हूँ कि आप आपस में डिस्कस करके भी कुछ चीज़ें सीखें दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर आंसर का तो आप निश्चय फॉर मेन्स स्लीपी क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है साथ ही साथ अगर आप एक गाइडेड तरीके से 48 डेज के अंदर अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को होन करना चाहते हैं एनहेंस करना चाहते हैं तो आप आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स में एनरोल करवा सकते हैं इसमें आपको 48 डेज़ में रोज़ एक क्वेश्चन कर लिखना होगा और लिखने के बाद इवेलुएशन के बाद हर हफ्ते मैं आपसे लाइव डिस्कशन करूंगा जिसमें मैं आपको अप्रोचेस सोर्सेज और मेन्स के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं मेन्स के लिए थीम्स कैसे कवर करनी है ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा और अपने आंसर्स को कैसे इम्प्रूव करना है ये बातें भी वहाँ डिस्कस होंगी इस कोर्स में एनरोल करने के लिए अगर आप चाहते हैं आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिले तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आर ए आई एन ए रहना ठीक है चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए नमस्कार